इतनी मजबूरी है तभी हम लोग आ रहे हैं। अगर एग्जाम हम लोग का नहीं होता ना तो आते भी नहीं। यहाँ पे वहाँ पे लगा है कि सीसीटीवी कैमरा है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत कम टाइम मिला है बनाने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? एक घंटा में ओएमआर ले लिया है लोग। ये कौन सा टाइम का 50 क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए, टाइम चाहिए ना, मिला ही नहीं है टाइम। निगरानी में भी कुछ भी नहीं है, हम लोग को इतना कम समय मिल रहा है। इसे पेपर, एक लड़की का कल पेपर छीना जाता, इतना जोर से पेपर घिंचा लो। अब ये क्वेश्चन भरा नहीं रह रहा तब तक एक क्वेश्चन ला कर फेंक दे रहा, कहाँ से हम लोग भरेंगे। कलम क्या है? लक्ष्मी। आज कौन सा एग्जाम था? सोशल साइंस। सोशल साइंस का था। और एग्जाम कैसा गया आपका? अच्छा गया। कोई परेशानी अंदर? कोई नहीं। रुक्सी, आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ था। और आपके रूम में लाइट की व्यवस्था थी कि नहीं? था। आज कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? मैथ। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा नहीं गया। क्यों? अरे पेपर छीना गया है। आपका नाम क्या है? आधे घंटे से। क्यों नहीं अंदर जा पा रहे हैं आप लोग? जाने देगा सब, कब ना जाएंगे लोग। अगर पेरेंट्स वैसे अफोर्ड कर पाते तो वो मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस कर सकते। कलर तुम्हारी। कौन सा एग्जाम था आपका? फाइनल। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? मैं तो नहीं कह सकती कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा इतने हैं कि हाँ मेरी बच्ची को पढ़ाना है, मेरी बच्ची को कुछ बनना है तो हाँ वो पढ़ेगी। हम क्या है? बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पा रहे, बहुत सारे बच्चे था। छीन लिया है सब। क्यों? आखिर आप लोगों को जवाब पूछना चाहिए था। अब कल पूछेंगे। बताइए क्या कहना है आपका? बोले सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं इसलिए ना। कुछ नहीं, आपका चीज बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, कॉपियां गया, टीचर ने कॉपी छीन ली है। लाइट की व्यवस्था थी आपके रूम में? नहीं। आई डोंट नो। लेकिन आपका नाम क्या? किरण। एग्जाम आपका कैसा गया है? बहुत अच्छा गया। किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं। पेपर टाइम पे मिला था? जी मिला था। और चीटिंग वगैरह का वहाँ पे नहीं हुआ था। आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? आज मैथ का एग्जाम था। मैथ का था, आपने सही लिखा? ये अपने तरफ से तो सही लिखे है, जितना किया है उतना तो आएंगे। 100% अपना रिजल्ट दिया है मैंने। आज एंट्री नहीं हो रहा है, कल आते आते कितना 1 बजे घुसा दिया था लोग। मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, बट जैसा व्यवस्था होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं था। कि हसिया, आपका एग्जाम कैसा गया आज? अच्छा चला है। अच्छा, एक्चुअली मेरे पापा है, उसने घर ही पे कोचिंग, दो ट्यूशंस में पढ़ती हूँ। मेरे पापा ने दो ट्यूशंस पढ़ाए घर पे, कोचिंग का तो मुझे नहीं पता लेकिन ट्यूशंस मैंने पढ़ी अच्छे से, जिसके कारण मेरा एग्जाम्स अच्छे गए हैं। कितना मार्क्स इस बार आ जाएगा आपका? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं ना। आपका नाम क्या है? कुसुम कुमारी। लाइट की व्यवस्था थी कि नहीं अंदर? थी, जल रही थी लाइट। आपके रूम में था? हाँ था। आपका नाम क्या है? सरोजिनी। आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा ही गया। मैंने 9th का जो एग्जाम दिया था, लग ही नहीं रहा है बोर्ड का एग्जाम, मुझे लग रहा था 9th का एग्जाम दे रही हूँ मैं। चंदा खातू। आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। किरण कुमार। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? मैथ। मैथ नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बोर्ड के एग्जाम होने चाहिए। लाइट नहीं तो टीचर से आप लोगों ने बोला कि लाइट की व्यवस्था करने के लिए? नहीं, जिस हॉल में मैं बैठी थी उसमें तो लाइट्स नहीं थी, क्योंकि हॉल था, लाइट वाइट उधर से आ ही रही थी, लाइट्स उसमें नहीं थी। आप बताओ आपके रूम में लाइट था कि नहीं? ना लाइट था, ना सीसीटीवी कैमरा था, कुछ नहीं था। सुंदरी, आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा। लाइट वगैरह थी कि नहीं अंदर? नहीं। उसका एग्जाम कैसा गया आपका? अच्छा गया है। लाइट अंदर था? हाँ। टाइम से एग्जाम शुरू हुआ था? हाँ टाइम से एग्जाम शुरू हुआ था, बट जितना हो पाया कि ओम और सिर्फ कुछ ज़्यादा ही पहले ले लिया गया, उतना कड़ा व्यवस्था नहीं था क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा कि बोर्ड का एग्जाम है। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? कितना चांस लग रहा है इस बार जो मैथ में आपका रिजल्ट आएगा? जाए जितना किया है उसे तो अच्छा ही आएगा। और कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? मैथ का। मैथ का। आपके हर रूम में जो है लाइट की व्यवस्था थी कि नहीं? थी। अच्छा गया। बहुत आपका कैसा गया एग्जाम था? बहुत अच्छा गया। और मैथ में आप लोगों ने क्या लिखा? सब लिखा, जितना है क्वेश्चन उतना लिखा। अगर हम लोग का एग्जाम नहीं देना रहता तो हम लोग आते भी नहीं है। ये बताइए ओएमआर सीट कितने समय पहले आपसे ले लिया गया था? तब 3 घंटे का एग्जाम होता, ओएमआर सीट कुछ ज्यादा, आधा घंटा में ओएमआर सीट लिख लिया गया।
अनु कुमारी। एग्जाम कैसे गया? बहुत अच्छा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। और कितना मार्क्स जो इस बार आ सकता है? ऑलमोस्ट 90 प्लस आ सकता है। और बिहार बोर्ड का क्या चांस है कि नहीं आपका? आई थिंक चांस नहीं है क्योंकि मैथ्स बहुत खराब गया था। मैथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? कल मैंने बच्चों से बात किया तो बोल रहे थे टाइम कम मिला। ये बताइए अभी आप कौन सी क्लास का परीक्षा दे रही है? 10th बोर्ड का एग्जाम। निकलते समय यहीं पे गिर गई थी, सभी लोग को बनाना नहीं चाहिए। मेरा नाम अलका कुमारी है। अंदर लाइट की व्यवस्था थी कि नहीं? थी, था, अच्छी तरह से था। चलिए ठीक। ऑफलाइन अगर कहा जाए तो दोनों तरह से, क्योंकि जितना मेरे पापा ने मेरे लिए किया है आई डोंट नो कोई और कर सकता है, क्योंकि मेरे पापा ने एक मोबाइल भी दिया पढ़ने के लिए और ऑफलाइन क्लासेस भी। सुजाता कुमारी। अंदर लाइट की व्यवस्था थी? नहीं। आप लोगों ने अंधेरे में एग्जाम दिया था? यस। आपका नाम क्या है? साक्षी श्राफ। एग्जाम आपका कैसा गया इस बार? सर अच्छा गया। बोले हैं जनरेटर चालू किया पर नहीं चालू हुआ। नहीं हुआ। मैथ में जो सवाल पूछे गए तो वो आसान थे या हार्ड था? जैसे मिनिमम तो अच्छा ही था, जैसा पूछना चाहिए वैसा था। ऐसा नहीं कुछ है कि हार्ड था आसान था, सभी पैटर्न्स अलग अलग थे, सेट अलग अलग थे, तो सबको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिले हुए। लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट फिर आप लोगों ने कैसे एग्जाम दिया? बाहर आके हम खड़ा होके दिए हैं। बाहर खड़ा होके आपने एग्जाम दिया? हमारे सीट बहुत जल्दी छीना गया। कितना देर पहले? एक घंटा पहले ही छीना गया था। रीना कुमारी। एग्जाम इस बार कैसा गया आपका? ठीक गया। कितना मार्क्स आ जाएगा? 70 से 80 तक आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं? अमीषा कुमारी। कोई प्रॉब्लम अंदर नहीं हुआ? लाइट की व्यवस्था थी? क्या आपका नाम क्या है? काजल। जिम्मेदारी सरकार लेगा क्या कि बच्चों को सब जो दे रहा है सब, तो उसका जिम्मेदारी तो ही ना लेगा। क्या है? अंजलि कुमारी। आपका एग्जाम कैसे गया? अच्छा गया है। अच्छा गया है। लीबा। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? साइंस का। आप सवाल कैसे थे आज के? अच्छा है। कोई प्रॉब्लम अंदर नहीं ना हुआ? नहीं। गार्डिंग था कि बहुत ही नॉर्मल एग्जाम हुआ है? अच्छा है, गार्डिंग हुआ, नॉर्मल सब आता है। कितने मार्क्स जो इस बार आएगा आपका? 85 जाएगा। 85 जाएगा। टॉपर का चांस है कि नहीं इस बार? देखिए तो क्या हो रहा है, एग्जाम बहुत घटिया जाएगा आज का, तो हमारा एग्जाम तो बहुत ही खराब हो जाएगा, फिर हमको घर जाना पड़ेगा, कपड़ा चेंज करके आएंगे तब तक तो हमारा समय तो बर्बाद चला जाएगा। कोरोना के चलते हम लोग की पढ़ाई भी नहीं हुआ है और इतना मतलब इथिव कर रहा है लोग, कैसे होगा? नहीं भी, और पेपर भी हम लोग को नहीं मिलेगा, आज का तो हमारा ऐसे ही बेकार चला जाएगा। करना चाहिए व्यवस्था। क्या कहना? स्नेहा कुमारी। इस बार एग्जाम कैसा गया आपका? अच्छा गया। कितने सवाल हार्ड थे या आसान थे? आसान था। आसान था। कितने मार्क्स आ जाएगा इस बार? अब एग्जाम आएगा तो पता चलेगा, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ऑनलाइन तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो कैसे होगा? यही इतना जल्दी जल्दी कर रहा है लोग, क्वेश्चन जल्दी छीना जा रहा है तो कैसे होगा? प्रियंका कुमारी। आप कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? लगभग आधे घंटे से। आधे घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। चांदनी कुमारी। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? साइंस का। बहुत सारी लड़कियाँ बोल रही है कि आज आर्ट्स का एग्जाम था। साइंस का एग्जाम था। साइंस का एग्जाम था। कितने मार्क्स आ जाएगा आज? आज के सब्जेक्ट में पूरा तो लिख के आया, अच्छा, अच्छा नहीं लगेगा। साफ सफाई रहते तो कहीं भी खड़ा हो सकते थे लोग, धूप उग रहा है इतना, पेपर भी खत्म हो गया, स्कूल में ढुकने नहीं दे रहे लोग, इतना धूप में खड़े हैं हम लोग। आपका एग्जाम कैसा गया? ठीक गया है। सुमन। और आपका एग्जाम कैसा गया आज का? अच्छा गया। सवाल कैसे थे? बढ़िया थे। सवालों का जवाब आपने दे दिया? जी हमने बोला फिर व्यवस्था हो गया है। टीचर को आप लोगों ने बोला कि लाइट की व्यवस्था फिर हो गया? मेरा सुप्रिया कुमार। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम? साइंस का। साइंस था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे आर्ट्स का एग्जाम? नहीं साइंस था। बहुत सारे बच्चों ने कहा है। ये बताइए आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा, बहुत अच्छा गया। सवाल कैसा था? हार्ड था कि बहुत आसान? अच्छा था। क्या लगता है इस बार कितना मार्क्स आ जाएगा? आना ही चाहिए, मतलब अच्छा ही आना चाहिए। कितना कितना मतलब जितना लिखेंगे उसी के हिसाब से। वो सबको सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, अगर कोई बच्चा गिर जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका तो आज का सब्जेक्ट आज तो गया, यही कहना चाहिए। सरोजा खातून। आप कितने देर से खड़ी यहाँ पे? लगभग एक घंटा हो गया। का नाम क्या है? अंकिता शर्मा। अंजलि कुमारी। एग्जाम आपका कैसा गया है? अच्छा गया। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? मैथ। ये बताइए अंदर हॉल में लाइट था कि नहीं? था। लाइट था। आपका नाम क्या है? प्रिया कुमारी। एग्जाम कैसे गया? अच्छा गया है। कितना मार्क्स जो है आ सकता है इस बार? इस बार 50% से ऊपर आ सकता है। आ सकता है। कौन सा सब्जेक्ट था आज? साइंस। साइंस था। साइंस में आपने क्या लिखा? साइंस में वो जितना प्रश्न आया था उसका उत्तर लिखे। सवाल जो थे वो आसान थे कि हार्ड था इस बार? आसान थे। आसान था। क्या लगता है कि इस बार आप टॉपर आ जाइएगा? बिहार टॉपर? बिहार टॉपर नहीं पर स्कूल टॉपर। एग्जाम देने के लिए एग्जाम का टाइम हो गया है, अब सब बच्चे चले गए तो एंट्री करने देना चाहिए, लेडीज हैं लोग हम लोग। आपका नाम क्या है? रंजीता कुमारी। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? साइंस का। साइंस का। कितना मार्क्स आ जाएगा इस बार?
अब उन्हीं लोग के हाथ में, हम लोग तो अच्छे से लिख दिए हैं एग्जाम में, अच्छे से आंसर लिखा आपने? ठीक हाँ लिख दिए हैं। नहीं तो उनके कहने से थोड़ी ना होगा, अब लेडीज हैं लोग, किसी के पेरेंट्स भी आए हैं, अब जाने नहीं देंगे तो कैसे होगा। और यहाँ पे इतना है कि लेडीज का संख्या बढ़ती जा रहा है, आगे होती जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब सड़क में जाम भी लग रहा है, कितना आदमी जाएगा आएगा, तो उनको अंदर जाने देना चाहिए, छुट्टी भी हो गया है। आपका नाम क्या है? साबिया। बहुत अच्छी हुई है। कहाँ से आपने तैयारी किया? हमने तो क्लास कोचिंग से तैयारी की है। हाँ। तो क्या नाम है? नाजमी। आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। आपके रूम में लाइट की व्यवस्था थी? थी। मेरा नाम अंजना कुमारी। इस बार कौन सा पढ़ा आपने, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम दिया? साइंस का। आपका नाम क्या? अब जैसे मतलब सरकार ने जैसे की है वैसा ही एग्जाम भी चल रहा है, अपने मतलब हिसाब से जैसा एग्जाम चल रहा है वैसे ही हम लोगों की तैयारी हुई है। अब जैसे तैयारी हुई है वैसे ही ना एग्जाम देंगे लोग। अलीशा गिरी। ये बताइए आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ? नहीं, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था। आपका नाम क्या है? आपका नाम? सादिया अंजुम। आपका एग्जाम कैसे गया इस बार? बहुत अच्छा गया। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम? साइंस। साइंस का एग्जाम था, कोई फॉर्मूला बता पाएंगे साइंस का? कौन सी का बताएं? ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। O2 होता है। चलिए कितना मार्क्स जो इस बार आएगा आपका? जितना लिखिए उतना मार्क्स आना ही चाहिए। आपका आज का एग्जाम कैसा गया आपका? नहीं, सिंपल सिंपल सवाल आ रहा है, क्योंकि बहुत बार लॉकडाउन भी लगा था, इसके कारण देख के चल रहा है ये। हाँ, क्वेश्चन एकदम सिंपल रहा है। इसका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आप लोगों ने टीचर से कहा कि नहीं, कि लाइट की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं बोले हैं लोग। नहीं बोले?